गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल डील डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्टली इंट्रोडक्शन, इट इज़ ए क्रॉनिक डिसीज़, इट मीन्स इट इज़ ए लॉन्ग टर्म डिसीज़। ये जो डिसीज़ होता है लंबे समय तक रहता है। इट इज़ ए सीरियस डिसीज़ दैट ऑकर्स व्हेन योर बॉडी हैज़ डिफ़िकल्टली प्रॉपरली रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व द शुगर। इट मीन्स इट इज़ ए सीरियस डिसीज़। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जब हमारे बॉडी के ब्लड में शुगर का प्रॉपर अमाउंट में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तब इस कंडीशन में डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज करता है। इट मीन्स ये एक लंबे समय तक चलने वाला डिसीज़ है। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जब हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, ग्लूकोज का रेगुलेशन और प्रॉपर अमाउंट में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। देन सेकंड डेफिनेशन, डायबिटीज मेलाइटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू डिफेक्टिव इन एडिक्वेट इंसुलिन सिक्रीशन। इट मीन्स इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक मीन्स एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन इन यूअर बॉडी। जब हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन एबनॉर्मल होता है तब क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने के कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। जब हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन एबनॉर्मल होता है और शुगर का प्रॉपर अमाउंट में डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन का सिक्रेशन कम होने लगता है। इस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। देन सेकंड इज ए ग्लूकोमेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर डिसीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रेशन। इट मीन्स ए ग्लूकोमेटाबॉलिक डिसीज़, जब ग्लूकोज का प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्लड में केमिकल रिएक्शन सही ढंग से नहीं हो पाता है, इसके साथ साथ फैट और प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सही तरीके से नहीं होता और इस कंडीशन में ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और यही कंडीशन कॉज करता है डायबिटीज मेलाइटस। और ये सब प्रोसेस होने के बाद इंसुलिन का सिक्रीशन सही ढंग से नहीं हो पाता, हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। इस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। देन नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, डायबिटीज मेलाइटस हमारे वर्ल्ड में कितना अफेक्टेड है, कितने लोगों को है, चलो हम ये देखते हैं। डायबिटीज मेलाइटस इट इज़ ए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। ये क्या है, एक मोस्ट कॉमन डिसीज़ है, ये हमारे पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन डिसीज़ है और ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल मीन्स नॉन ट्रांसमिटेड अमंग पीपल। ये वन पर्सन से अदर पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता। इट मीन्स जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, छींकने खांसने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है, बट ये डिसीज़ नॉन कम्युनिकेबल है। नॉन कम्युनिकेबल मीन्स ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता। इट वॉज एस्टिमेटेड दैट देयर वेयर अबाउट 135 million एडल्ट डायबिटिक वर्ल्ड वाइड इन 1995 एंड द फिगर इज प्रोजेक्टेड टू रीच 300 million बाय 2025। इट वॉज एस्टिमेटेड मीन्स अनुमान लगाया गया है और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि 135 million एडल्ट डायबिटीज मेलाइटस से सफ़र कर रहे हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। किसके अकॉर्डिंग, 1995 के अकॉर्डिंग, 1995 के अनुसार 135 million एडल्ट सफ़र कर रहे हैं और फिगर प्रोजेक्ट अनुमान लगाया गया है कि 300 million पीपल 2025 तक अफेक्टेड रहेंगे डायबिटीज मेलाइटस से। वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इन इंडिया,
द पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डायबिटीज मलाइटस. एडल्ट वॉज फाउंड टू बी 25% इन रूरल एरिया एंड 75% इन अर्बन एरिया. द पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़, हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में डायबिटीज मलाइटस बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, मतलब हो रहा है सबको. मीन्स ससेप्टिबिलिटी मीन्स संवेदनशीलता, मीन कोमलता से एकदम आसानी से धीरे धीरे हो रहा है. बट ये किस जगह में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, कि बहुत कम मात्रा में किस एरिया के पीपल को पाया जा रहा है? रूरल एरिया. रूरल एरिया मीन्स गांव, विलेज के जनता को ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है. बट 75% इन अर्बन एरिया, सिटीजन पीपल को सबसे ज़्यादा डायबिटीज मेलिटस हो रहा है. ठीक. द नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, अब देखते हैं क्या फैक्टर है. फर्स्ट है एजेंट. डायबिटीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच मे ड्यू टू पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर एंड नियोप्लास्टिक एंड अदर डिजीज. इट मीन्स मेन एजेंट क्या है, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है तब क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है. क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, मेन टू पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर एंड नियोप्लास्टिक एंड अदर डिसीज विच मे ड्यू टू. मीन्स पेनक्रियाटिक, जब हमारे पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन होता है या इन्फ्लाम्ड हो जाता है पेनक्रियास, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण डायबिटीज मेलिटस कॉज करता है. नियोप्लास्टिक एंड अदर डिसीज मीन्स जब कैंसर ये सब कंडीशन भी आता है तो हमारे बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन सही अमाउंट में नहीं हो पाता है. द नेक्स्ट होस्ट फैक्टर, फर्स्ट सेक्स. बोथ मेल एंड फीमेल्स आर यूजुअली अफेक्टेड द डायबिटीज मेलिटस. इट मीन्स डायबिटीज मेलिटस सिर्फ मेल्स को और फीमेल्स को ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, मतलब एक ही जेंडर वाले को नहीं होता, होता है ऐसा नहीं मानते. यहाँ पे दोनों, बोथ सेक्स, मेल एंड फीमेल, दोनों सेक्स अफेक्टेड होते हैं. कभी फीमेल्स को भी होता है, कभी मेल्स को भी होता है. ओबेसिटी, इट इज़ मेनली ऑकर रिस्क टू रिलेटेड टू ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ ओबेसिटी. हम ओबेसिटी मीन्स मोटापा, मोटे लोगों को यह सबसे ज़्यादा होने का चांस होता है. वो जितने मोटे होते हैं, जितने डिग्री में उनको फैट पाया जाता है उनके बॉडी में, उतना ही ज़्यादा डायबिटीज मेलिटस होने का चांस रहता है. देन सेकेंड, एल्कोहल. एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलिटस. मीन्स जो पर्सन एल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में इंटेक करता है, और तो क्या होता है, उन लोग जब ज़्यादा एल्कोहल इंटेक करते हैं तो उनका लीवर में इन्फेक्शन होने लगता है, जिसके कारण पेनक्रियास इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है और पर्सन को डायबिटीज मेलिटस कॉज करता है. देन नेक्स्ट हम देखते हैं और कॉसेस, इटियोलॉजी, जेनेटिक. जेनेटिक मीन्स जो डायबिटीज मेलिटस है वो वन जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है. हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स जब हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है उस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं. हाइपर, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन का सिक्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो डायबिटीज मेलिटस कॉज करता है. ओबेसिटी, मैंने आपको पहले बताया कि ओबेसिटी फैट सबसे ज़्यादा पाया जाएगा बॉडी में, और डिग्री ऑफ मोटापा रहेगा, डिग्री ऑफ ओबेसिटी रहेगा, तो उस कंडीशन में डायबिटीज मेलिटस कॉज करता है. इंसुलिन डिफिशियंसी, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होने लगती है, उस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलिटस कहते हैं. ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया मीन्स ग्लूकोज प्रेजेंट इन द यूरिन. जब यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है उस कंडीशन में डायबिटीज मेलिटस कॉज करता है. देन नेक्स्ट आई विल सी टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस. फर्स्ट, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. अप्रॉक्सीमेटली 5-10% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस. इन दिस केस 5-10% इंसुलिन आर डिस्ट्रॉय बाय द ऑटो इम्यून प्रोसेस. इट मीन्स 5-10% जो पीपल है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस से सफ़र कर रहे हैं,
और ये डायबिटीज मेलाइटस 5-10% इंसुलिन आर डिस्ट्रॉय बाय द ऑटो इम्यून प्रोसेस। एडीसी ऑटो इम्यून प्रोसेस मीन्स होता है ए डिजीज इन विच द बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक हेल्दी सेल। जब हमारे इम्यून सिस्टम के हेल्दी सेल को अटैक करता है कोई सब्सटेंस, कोई केमिकल या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, तब क्या होता है हमारा ऑटो इम्यून प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे हेल्दी सेल को अटैक कर रहा है, क्या सेल अटैक कर, हेल्दी सेल कैसे में अटैक हो रहा है, जैसे इंसुलिन का डिस्ट्रॉय हो रहा है, इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं हो पाता है और पर्सन को क्या करना पड़ता है इस कंडीशन में, इंसुलिन हमको बाहर से लगाना पड़ता है, इट मीन्स इंजेक्ट करना पड़ता है अपने बॉडी में। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। देन सेकेंड, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। अबाउट 90-95% ऑफ पीपल विच हैव टाइप 2 डायबिटीज मलाइटस, इन दिस टाइप डायबिटीज इंसुलिन लेवल इज डिक्रीज एंड सेंसिटिविटी इन इंसुलिन ऑकर। इट मीन्स ये जब डायबिटीज मलाइटस 90-95% पीपल सफ़र कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मलाइटस के नाम से हम जानते हैं। इन दिस टाइप डायबिटीज इंसुलिन लेवल इज डिक्रीज एंड सेंसिटिविटी टू इंसुलिन ऑकर। इट मीन्स जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है बट सफिशियंट अमाउंट में नहीं हो पाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मलाइटस इज फर्स्ट ट्रीटेड विद डाइट एंड एक्सरसाइज। इस डायबिटीज मलाइटस को हम ज़्यादातर अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, इसमें हम लोग को इंसुलिन ले बाहर से लेने की नीड नहीं होती है, हमारा डाइट मेंटेन करने से और एक प्रॉपर एक्सरसाइज करने से इस डायबिटीज मलाइटिस का ट्रीटमेंट होते रहता है, प्रिवेंशन होता है। देन नेक्स्ट आई विल डील थर्ड डायबिटीज मलाइटिस, गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज मलाइटिस इज फाउंड ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। इट मीन्स ये जो डायबिटीज मलाइटस होता है ये प्रेगनेंसी के टाइम होता है, मदर से चाइल्ड में। अगर मदर को डायबिटीज मलाइटस है तो प्लेसेंटा के थ्रू वो हार्मोन क्रॉस करके कहाँ, बेबी के तक पहुँच जाता है। और ये किस टाइम पे होता है, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स हमारे प्रेगनेंसी फेज में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, 1-3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3-6 मंथ को सेकेंड ट्राइमेस्टर, 2-9 मंथ को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है, सेकेंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर मीन्स 3-9 मंथ के बीच में हमको ये डायबिटीज मलाइटस कॉज करता है ड्यू टू हॉर्मोनल सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इट मीन्स जो हॉर्मोन सिक्रेट होता है, कौन सा हॉर्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन को क्या करता है, जब मदर प्रेग्नेंट रहती है तो जो प्लेसेंटा है वो बॉडी का इंसुलिन को इनहिबिट करने लगता है, कहाँ, प्लेसेंटा में। तब क्या होता है, बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं मिल पाता है और डायबिटीज कॉज करता है। So today my topic is over. Thank you, student.